भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल में कांग्रेस सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हलचल चल रही है। दिल्ली के बाद अब मंत्री पद के दावेदार शिमला में डेरा डाले हुए हैं। मंत्रिमंडल गठन से पहले कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता अपने अपने विधायकों को मंत्री पद दिलवाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार को सोलन के विधायक शांडिल के साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल शिमला के पीटर हॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। इसमें सोलन कांग्रेस के नेताओं के साथ नगर निगम के चार पार्षद भी शामिल रहे। एक हफ्ते में ये कर्नल शांडिल की मुख्यमंत्री से शिमला में ही दूसरी मुलाकात है। दिल्ली से लौटने के बाद बीते सोमवार को ही शांडिल मुख्यमंत्री से मिले थे, तब इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा था। अब इसे औपचारिक मुलाकात का नाम दिया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसके दूसरे मायने भी निकाल रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अभी भी मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार हो रहा है। सोलन के विधायक व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मंत्री पद के दावेदार हैं और करीब दो हफ्ते तक दिल्ली में जमे रहे। रविवार देर रात वे दिल्ली से लौटे और सोमवार को सीधे मुख्यमंत्री से मिलने शिमला पहुंच गए। सुक्खू के मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नल शांडिल की भी उप मुख्यमंत्री की दावेदारी सामने आई थी। इसके बाद मंत्री पद के सभी दावेदारों ने दिल्ली में डेरा डाला। अब तकरीबन सभी विधायक वापिस लौट आए हैं। माना जा रहा है कि अब नए साल में ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री पद के अपने अपने दावेदारों को जिला कांग्रेसियों द्वारा मुख्यमंत्री के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सोलन जिला से तीन विधायक मंत्री पद के दावेदार हैं। शांडिल ने सोलन सदर सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। शांडिल पहले सांसद और मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बार जीते संजय अवस्थी और रामकुमार भी मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।